हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज चल रही है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेक्चर 5 है और प्रॉब्लम्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना हैंड आउट भी खोल के रख लें सामने, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये आपकी बहुत मदद करेंगी आपके आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, बहुत मदद करेंगी। अब जैसे मिसाल दे दिया है कि ग्रॉस मार्जिन आपको निकालना है, ग्रॉस मार्जिन आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपने ग्रॉस प्रॉफिट किया, लेट्स सपोज कर ले आपको 2,90,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स कितनी हुई आपकी 6,00,000 रुपये, उसको मल्टीप्लाई कर दिए अपना 100 रुपये से, या 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज निकालनी है आपको, तो 48.33% आपके पास आ गया। द रेशियो आइडेंटिफाई द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स, ये है तरीका। इसी तरीके से आपको ग्रॉस मार्कअप निकालना है, ग्रॉस मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट तो वही रहेगा। ये फॉर्मूले आप जहन में रखिएगा क्योंकि आगे चल के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। वैसे तो सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये फॉर्मूलो वाला है ताकि ये आपको आगे लेक्चर्स में कन्फ्यूज ना करे, हेल्प करेगा ये अगर आप आज ये लेक्चर जो है वो सही तरीके से देख लेंगे। रेशियो आइडेंटिफाई द ग्रॉस प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, 2,90,000 तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने निकाला 3,10,000 रुपये आया, तो ये है ग्रॉस मार्कअप निकालने का फॉर्मूला। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 93.5 आपके पास रेशियो आ गया। आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, किस तरह कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, 90,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट आया, डिवाइड कर दिया आपने उसको सेल्स से, सेल्स आपके पास 6,00,000 रुपये थी, मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसको 100 से तो आपके पास 15% आ गया, तो ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो क्या है आपके पास, किस तरीके से एक्सपेंसेस जितने थे, एक्सपेंसेस जितने थे उसको आपने डिवाइड कर दिया सेल्स से और मल्टीप्लाई तो 100 से आप करें क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो 8.33 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो फॉर्मूले जो है सर और से देखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।